नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माधवी चौधरी और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। पश्चिम बंगाल से करप्शन के लगातार नए मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं और अब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में केंद्रीय एजेंसी ईडी ने छापेमारी कर भारी मात्रा में कैश बरामद किया है। बता दें कि शनिवार को ईडी की टीम ने कोलकाता के गार्डन रीच इलाके में नासिर अहमद खान नाम के एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी के ठिकाने पर छापेमारी कर घर के पलंग के नीचे से लगभग 17 करोड़ 32 लाख रुपए जब्त किए हैं। वहीं ईडी ने नासिर अहमद खान के बेटे आतिफ खान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नासिर अहमद खान अभी फरार हैं। शनिवार को लगभग 8 घंटे तक नोटों की गिनती जारी रही थी। पैसे गिनने की मशीन घर लाई गई थी। जब्त राशि को 5 ट्रंकों में भरकर केंद्र बलों की सुरक्षा में SBI के मुख्य कार्यालय में ले जाया गया। वहीं ईडी द्वारा जारी बयान के अनुसार इन नगेट्स नामक एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी की गई थी। सबसे पहले उस गेमिंग ऐप के जरिए यूजर्स का विश्वास हासिल किया जाता है और फिर जब यूजर्स उस गेमिंग ऐप में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाना शुरू करते हैं तो अचानक उस ऐप से पैसे निकालने का जो विकल्प है वो बंद हो जाता है। फिर ऐप यूजर्स के सारे पुराने प्रोफाइल बंद कर दिए जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि फरवरी 2021 में इसकी शिकायत पार्क स्ट्रीट थाने में की गई थी और उसी आधार पर शनिवार को गार्डन रीच में छापेमारी के दौरान इतनी बड़ी रकम बरामद हुई। ईडी के अधिकारियों ने इस धोखाधड़ी के नेटवर्क और इस पैसे का इस्तेमाल कहां किया गया है इसकी जांच शुरू कर दी है। देखना होगा कि इस जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें लाइव लगातार के साथ। नमस्कार।